वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल बी डब्ल्यू सी डिटेलिंग में। तो आज मैं रिव्यू करूंगा 3M की फिनेस मरीन पेस्ट, ये वाला प्रोडक्ट है मेरा जो आपको दिख रहा है। तो ये इसका मैं रिव्यू करूंगा कार के ऊपर। तो मैं ऐसे ही और भी वीडियोस लेकर आता हूँ, मैं आगे चल के और भी तरह तरह के प्रोडक्ट्स आपको रिव्यू करूँगा और उसको बताऊँगा कि आप ये यूज़ करें या ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और वीडियो को पूरा वॉच करने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं और भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस लेकर आऊँ गाड़ियों की पॉलिशिंग वॉशिंग से रिलेटेड जो भी है डिटेलिंग ऑल वर्क। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले हम कार की बॉडी को थोड़ा सा पानी से गीला करके उसे अच्छे से वाइप ऑफ करेंगे क्लीन एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से, ताकि उस पर कोई डस्ट वगैरह ना हो, जिसके वजह से हम जब हमारा मशीन इस पर चलाएंगे पॉलिशर की तो कुछ स्क्रैच वगैरह ना आए। और डिफरेंस जानने के लिए कैसा हो काम हुआ है तो मैं पेपर टेप लगाऊंगा इस पर, ताकि बाद में समझ में आए कि काम हुआ या नहीं हुआ, शाइन आई और अनकोटेड पार्ट पे कैसी आई नहीं आई। तो ये हमारा 3M मरीन पेस्ट मैं लगा रहा हूँ। इसे थोड़ा सा लगा के स्प्रेड करना है। हाँ, ध्यान ये रहे कि आप एक जगह लगा कर ना छोड़े, नहीं तो वो होगा ये कि पूरा एक जगह पे सॉलिड हो जाएगा वो, तो पूरा पूरी तरह फैला दे। यूज़ करने का तरीका ये है इसका। अब मेरे पास ड्यूअल एक्शन पॉलिशर है तो मैं इससे यूज़ करूँगा। तो पहले से स्लो स्पीड में लेकर पूरा तरह स्प्रेड कर दीजिए, और उसके बाद में फिर मैं ये करूँगा कि इसकी स्पीड बढ़ा के इसे चलाऊँगा। अगर आपके पास ड्यूअल एक्शन पॉलिशर नहीं है तो आप रोटरी पॉलिशर भी यूज़ कर सकते हो जो रेगुलर होता है। मेरे पास ये है तो ये एक्चुअली में इससे काम आसानी से होता है, और ज़्यादा ये वेटेड नहीं है और स्मूथ चलती है, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। तो देखिए आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा इसमें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं ऐसे ही और भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस लेकर आता हूँ तो आपको इसमें मदद मिलेगी। तो देखिए आपको फ़र्क तो थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़ी इसमें शाइनिंग है। हाँ, इतनी बात है कि इसमें जैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए शाइनिंग का वैसा है नहीं। मैं ये पेपर टेप निकाल के बताता हूँ आपको कि कैसे काम हुआ है इसका, आफ्टर बिफोर जिसे कहते हैं। देखिए शाइन तो इसमें अच्छी खासी लग रही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये प्राइस के हिसाब से भी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं है। देखिए ये अनकोटेड है, थोड़ा डल है, और ये लेफ़्ट साइड में देखिए ये राइट साइड में अनकोटेड है और ये लेफ़्ट साइड में है तो ये कोटेड है जिस पे हमने रबिंग किया है। देखिए फ़र्क आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं आपको बाहर लेके जाकर बताता हूँ। ये देखिए अब हम आ गए बाहर। तो ये अप्लाइड पार्ट है लेफ़्ट साइड का, और ये जो आपको डल पार्ट दिख रहा है ये अनअप्लाइड है जिस हमने इस पे यूज़ नहीं किया है। हाँ, शाइन तो इसमें अच्छी खासी आ गई है, बट जो कटिंग इसकी है ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो रेट के हिसाब से ठीक है, 193 रुपीज़ की है ये, आप परचेस कर सकते हैं। मैं अमेज़ॉन पे लिंक दे दूँगा।